हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑनलाइन इन्फो हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का एक नया प्रोसेस आया है, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिसमें कि आप बिना कोई मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए आप सभी NBSP के पोर्टल से ही आप अपना वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। आप सभी को मोबाइल एप्लीकेशन में कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही में आप अपने वोटर आईडी कार्ड का जो स्टेटस है, लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो कैसे आपको अपना वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना है, पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को लाइव स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आप सभी को NBSP.in पे आ जाना है। इस पोर्टल का लिंक मैंने आप सभी को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हो। यहाँ पर हमें सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर लेना है, जिसमें कि आप सभी लोग अगर पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हो तो यहाँ पर डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज ए न्यू यूजर का ऑप्शन दिया गया, जिसपे आप क्लिक करके एक नया यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए मोबाइल नंबर फिल करोगे, कैप्चा फिल करोगे और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक उस फोन पे OTP आएगा, जिसके बाद आपको उस OTP को एंटर कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको नीचे डिटेल्स को एंटर करने के लिए दो ऑप्शंस होंगे, फर्स्ट आई हैव एपिक नंबर और सेकेंड आई डोंट हैव एपिक नंबर, जिसमें कि यदि आपको करंट में अपना एपिक नंबर मींस पहचान पत्र संख्या पता है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी के पास अपना वोटर आईडी कार्ड मींस पहचान पत्र होगा, जिससे आप अपना एपिक नंबर पहचान पत्र संख्या देख के फिल कर लेंगे, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना एपिक नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद यदि आपका ईमेल बना हुआ है तो फिल कर लेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड को फिल कर लेंगे, जो भी आप रखना चाहो। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में अगेन सेम एज पासवर्ड को फिल कर लेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो अकाउंट है यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में हमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना यूजर नेम यानी कि अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर फिल कर देना है और जो भी पासवर्ड हमने क्रिएट किया है वो पासवर्ड फिल कर देना है और कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आएगा, जिसमें कि आप यहां पर देखेंगे कि अगर आप सभी को एक नया वोटर कार्ड बनाना है या करेक्शन करना है तो उसके लिए कई सारे ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। साथ ही में वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में इस पोर्टल पर आप एक नया ऑप्शन देखोगे, इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स। तो आप सभी को इसी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना वोटर कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना है। इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है मौजूदा निर्वाचकों द्वारा आधार संख्या की जानकारी के लिए फॉर्म नंबर 6B जो ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके ही हमें अपना आधार वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को अगर ऑफलाइन में वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना है तो इसका एक PDF फॉर्म भी दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। आप इसे ऑफलाइन में फिल करके अपने BLO के पास में या फिर अपनी तहसील में सबमिट कर सकते हो, वहां से भी आप सभी का जो वोटर आईडी कार्ड है आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। बाकी ऑनलाइन कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसके लिए बता देता हूँ, जिसके लिए बैंक आएंगे और यहाँ पर फॉर्म नंबर 6V जो दिया गया है उस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में फॉर्म फिल करना चाहें आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने फॉर्म नंबर 6B ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही फिल है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन पेज में अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर दिया है तो उसके हिसाब से डिटेल फिच होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर जो भी डिटेल्स मिसिंग है वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए वो हमें फिल करनी है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, ईमेल आईडी को फिल कर देना है यदि अवेलेबल है। इसके बाद पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आई हैव आधार नंबर के ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है और नीचे की तरफ यहाँ पर आधार डिटेल्स के सेक्शन में आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो फिल कर देना है और जिस भी प्लेस पे आप रहते हो उस प्लेस का नाम यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल कर देना है। इसके बाद आप सभी को सबमिट करने के लिए प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर सबमिट करने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार नंबर बिकॉज आई डोंट हैव आधार नंबर, देयरफॉर आई हैव बाय सबमिट ए कॉपी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के पास अगर इन केस आधार नंबर नहीं है, या फिर आपका आधार कार्ड किसी कारण से नहीं बन सका, आपके फिंगर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके स्टेट में आधार कार्ड नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने वोटर आई डी कार्ड को बचा सकते हो डिलीट होने से। इसके लिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं, जिनमें से कोई डॉक्यूमेंट एक आप सभी को सिलेक्ट करना है। वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्कैन कॉपी आपको इस केस में अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर हम आधार नंबर को अगर लिंक करेंगे तो यहाँ पर इस ऑप्शन को हमें यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमें आई हैव आधार नंबर के ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी अभी इन्फॉर्मेशन को फिल किया है एक बार आपको समरी दिखाई जाती है। तो यहाँ पर एक बार अच्छे तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेना है, और यहाँ पर कुछ भी करेक्शन की जरूरत है तो बैक के ऑप्शन पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया, जिस पे क्लिक करके आप ये जो डिटेल्स का फॉर्मेट है इसे आप प्रिंट कर सकते हो, और सारी चीजें सही हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर देखोगे सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपके सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर जो रेफरेंस आईडी दी गई है, इस रेफरेंस आईडी से हम कभी भी चेक कर सकते हैं कि हमारा वोटर कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रैक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो रेफरेंस आईडी अभी हमें मिली थी वो रेफरेंस आईडी फिल करेंगे, ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे अभी ये जस्ट एप्लीकेशन को सबमिट किया है, यहाँ पर सबमिटेड मैसेज शो हो रहा है। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये जो डिटेल्स है इनको वेरीफाई किया जाएगा, जिसके बाद में सारी डिटेल्स अगर सही होगी तो यहाँ पर आप सभी को एक्सेप्टेड शो हो जाएगा। इसी के साथ में आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रेफरेंस नंबर है, इन केस आप सभी का कभी भी मिस हो जाए तो आपको डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जितनी भी एप्लीकेशन दर्ज करोगे उनका जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।